लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में वादों की भरमार है। हर नेता हर पार्टी के अपने अपने दावे और वादे हैं। आज लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने 20 पन्नों के विजन डॉक्यूमेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई वादे किए। जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग दोगुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने इस बात को माना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इस विजन डॉक्यूमेंट में भी हम लोग शामिल कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस को पैरामिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने जहां सत्ता में आने पर जाति जनगणना से लेकर पढ़ाई और अग्निवीर योजना का जिक्र किया, इसके अलावा पेपर लीक पर अखिलेश यादव ने बड़ा वादा किया। समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में अखिलेश यादव ने वादा किया कि पुरानी पेंशन योजना देंगे, अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण देंगे, केजी से पीजी तक शिक्षा मुक्त, गड्ढा मुक्त सड़क का अधिकार, 2025 तक जाति जनगणना। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को खत्म करने का भी वादा किया। सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं और समय समय पर अखबारों के माध्यम से कुछ और माध्यम उससे जो जानकारी मिलती है, भारत का कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा सीमाएं सिकुड़ रही हैं और इस सरकार ने जानबूझ करके अग्निवीर लाने का काम किया है। जानबूझ करके कि गांव गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए, आगे ना बढ़ पाए, ये अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने साफ किया कि यूपी में इस बार इंडिया गठबंधन बड़ा कमाल करने वाली है। विजन डॉक्यूमेंट को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और समर्थन मांगेंगे। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो करके गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आएगा और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें जातिगत आरक्षण से लेकर कर्ज माफी और अग्निवीर योजना को लेकर वादे किए गए थे। ऐसे में साफ है चुनावी बिसात पर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन जनता इन वादों पर कितना यकीन करती है ये चुनावी नतीजों के साथ तय हो पाएगा। चुनाव आज तक